हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों IBPS का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने अभी अभी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया बैंकिंग सेक्टर की, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS क्लर्क में टोटल वैकेंसी है 7883, टोटल वैकेंसी है 7883। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग ज्यादा लास्ट डेट तक का वेट मत करना। जैसे ही लिंक ओपन होता है आप अपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो 12 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 3 अक्टूबर। ये डेट्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब बात करते हैं, जो बैंक एग्जाम है दो पार्ट्स में होने लगा है, प्री और मेंस। तो प्री एग्जाम की जो डेट है वो है 2nd, 3rd, 9th और 10th दिसंबर। जो प्री एग्जाम है उसकी 4 डेट दी हुई है, 2nd, 3rd और 9th, 10th दिसंबर। और जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है वो होगा 21st ऑफ जनवरी 2018। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंकिंग में प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फ्रेंड्स, इस बार IBPS ने क्लर्क ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है एग्जाम का। तो मैं आपको पूरा न्यू पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस अब आएंगे पेपर में, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कंटेन करेगा। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री और मेंस एग्जाम की। तो फ्रेंड्स, जो प्री होगा हमारा प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में हमारी जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, एप्टी, इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्री का जो एग्जाम पैटर्न है वो एकदम सेम है जैसा हमने लास्ट ईयर पेपर दिए थे। जैसा लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था सेम वैसे ही है, लेकिन मेंस में इस बार चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। प्री में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और एप्टी में भी 35 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। रीजनिंग की हम बात कर लें तो इसमें होते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। अगर हम मैथ की बात करें, एप्टी की बात करें, तो इसमें भी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। इस तरीके से प्री में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हमें 60 मिनट दिए जाते हैं, मतलब हमारे पास टाइम होता है 1 घंटे का। हम अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। फ्रेंड्स, इस बार मेंस में काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं IBPS में, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न को। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की, मेंस में कैसा पैटर्न आने वाला है इस बार।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की इस बार इसमें इन्होंने फाइनेंशियल भी ऐड किया हुआ है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद इसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और टाइम 35 मिनट्स। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे प्री में क्या होता है, हमें 60 मिनट दिए होते हैं, हम जब चाहें उस सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, हमने उसे 10 मिनट में ही सॉल्व कर लिया और हमने मैथ्स और रीजनिंग में टाइम ज्यादा दे दिया। लेकिन मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अगर जीके 35 मिनट का है तो आपको 35 मिनट तक वहाँ पे स्टे करना ही पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा नहीं सकते, भले ही हम जीके 10 मिनट में सॉल्व कर ले, लेकिन हमें 35 मिनट तक सॉल्व करना बैठे रहना ही पड़ेगा, हम नेक्स्ट उस पे नहीं जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बाद इंग्लिश की। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, और इसके लिए भी हमें 35 मिनट्स दिए गए हैं। फिर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। फ्रेंड्स सबसे बड़ा चेंज इस बार का यही है कि रीजनिंग और कंप्यूटर को आपस में मर्ज कर दिया गया है, और रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के और 45 मिनट। अब हम बात करते हैं एफटी की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एफटी में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के और 45 मिनट्स, टोटल 160 मिनट्स, 200 मार्क्स के, 190 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये है आपका मेंस का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट हमें टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था उससे इस बार हमें 25 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले हैं एग्जाम में, लेकिन जो जीके है उसमें पहले 40 क्वेश्चन आते थे, इस बार क्वेश्चन नंबर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले 40 क्वेश्चन आते थे 40 मार्क्स के, इस बार क्या किया गया है 50 क्वेश्चन कर दिए गए हैं 50 मार्क्स के। ये आईबीपीएस इस बार चेंज लाया है और जीके में फाइनेंशियल भी ऐड कर दिया है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में लास्ट ईयर जैसा ही है, रीजनिंग और कंप्यूटर। मेन चेंज आईबीपीएस ने इस बार यहाँ पे किया है, रीजनिंग और कंप्यूटर को आपस में मर्ज कर दिया गया है और दोनों 50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिला के जो 60 मार्क्स कंटेन करेंगे, और हमें कितना टाइम मिलेगा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं एफटी की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, टाइम दिया होगा हमें 45 मिनट, टोटल टाइम है हमारे पास 160 मिनट, जिसमें 190 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग से ही मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो साइड बाय साइड हमारा प्री तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई होता है और प्री में वही क्वेश्चन कुछ कम लेवल के होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जीके में आपकी जीके पूरी प्रिपेयर करा दूंगी एग्जाम तक। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये न्यू एग्जाम पैटर्न है ये हमारे सभी फ्रेंड्स को पहुंच जाए। फ्रेंड्स आप अगर जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उस तरीके से
तैयारी करेंगे तो भले वैकेंसी कितनी भी कम क्यों ना हो, हमें अपने लिए तो केवल एक सीट चाहिए होती है, वो तो हम अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो वो एक सीट तो हमें मिल ही सकती है ना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के पास में जो बेल का बटन दिया उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।